थाने परिसर में इसलिए सब लोग इकट्ठा हुए हैं, हमारे छोटे भाई अभिषेक आनंद शर्मा जी के ऊपर, कोरबा के एक पत्रकार हैं मिस्टर विजय कुमार सिंह, जिन्होंने बिना किसी आधार के, बिना किसी प्रमाण के एक फर्जी आर्टिकल जो मीडिया में चलाया गया है उनके द्वारा कि कोयले चोरी में और डीजल की चोरी में जिसमें अभिषेक शर्मा जी की संलिप्तता बताई गई है, यह बिल्कुल निराधार है। हम उसके एवज में थाना प्रभारी महोदय को अपना ज्ञापन सौंपने के लिए आए हुए हैं। हमारे छोटे भाई अभिषेक शर्मा के ऊपर आज से पहले कोई भी आपराधिक प्रकरण आज तक दर्ज नहीं हुआ है और हमारी मांग प्रशासन और शासन दोनों से ये है कि इसके ऊपर जो पत्रकार जो आर्टिकल दिए हैं या जो मीडिया में चलाए हैं और जो नाम उठाए हैं मीडिया में, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए और अगर ये कार्रवाई नहीं होती है तो हम विजय पत्रकार के घर का घेराव करेंगे। अभिषेक आनंद शर्मा जी जो कांग्रेस के पुराने वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, उनको बदनाम करने के लिए कोई प्रेस के विजय सिंह करके हैं जो उनके नाम से कोयला चोरी और डीजल चोरी का आरोप लगा रहे हैं और उनके पास ऐसा कोई प्रूफ नहीं है और वो ऐसे ही डाल दिए हैं, तो वो हमारे कार्यकर्ता का छवि खराब करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। और अगर हमको प्रशासन से उनके खिलाफ अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो उनके खिलाफ हम जाके उनके घर पे धरना देंगे और इसका पूरे जिम्मेदार प्रशासन होगा। हमारे यहाँ हम लोग थाने से भी आए हैं कि हमारे छोटे भाई अभिषेक शर्मा के ऊपर किसी पत्रकार का नाम कर मैं नहीं जान रहा हूँ क्या नाम है, उनके द्वारा गलत तथ्य से प्रेस में समाचार लगाया गया है जो इनके मान सम्मान को ठेस पहुँचता है। ऐसे पत्रकार के सबसे दूर रहना चाहिए, बिना सबूत या प्रूफ के किसी के छवि खराब नहीं करना चाहिए और हम शासन से थाने में इस कंप्लेंट करने आए हैं कि भविष्य में ऐसा ना हो, उनके खिलाफ कार्रवाई प्रशासन करे। मेरा नाम अभिषेक आनंद शर्मा है। अभिषेक जी, आप लोग आज थाने पे किस लिए एकत्र हुए हैं? थाने में इसलिए हैं कि विजय सिंह पत्रकार हैं कोरबा के जो न्यूज़ चैनल चलाते हैं, उनके द्वारा मेरे बारे में और जो न्यूज़ उनके द्वारा डाला गया उसमें हीरा पटेल का नाम संलग्न किया गया, जबकि हीरा पटेल आज 7-8 महीनों से जेल में है, उसके बावजूद भी हीरा पटेल का भी नाम डाला गया बिना कोई प्रूफ, बिना कोई जानकारी के। आज के एक महीना पहले हमसे उनका बात हुआ, हमारे घर पे वो आए हुए थे तो उन्होंने बोला ऐसा ऐसा है, हमको डरा धमका कि हमसे 50,000 रुपये ले गए थे। उसके बाद 3-4 दिन पहले वो फिर आए, बोले कि हमको 1,00,000 रुपये का हमसे डिमांड किए भैया दोन की। हम बोले भाई हमसे तो पैसा नहीं है तो मैं ऐसा ऐसा छाप दूंगा, बोला ठीक है भैया छाप दीजिएगा। उसके बाद लगातार उनका मेरे छवि खराब करने के पीछे पड़े हुए हैं और मेरा प्रताड़ित कर रहे हैं और हमेशा प्रताड़ित कर रहे हैं और कभी 1,00,000 कभी 50,000 इस टाइप का मांग उनका हमेशा रहता है। कुछ दिनों पहले उनका बालू निकलवा रहे थे वो सरमंगला के उस पार से, तो हम लोग जाके वहाँ पास मना कर दिए थे कि भाई आप लोग जो भी है नदी उस पार करिए, इस पार आप लोग हमारा जनप्रतिनिधि है हमारा सब कुछ इधर आप मत करिए, तो उनका बालू चोरी काम को मैं रुकवा दिया था, इससे वो अपना दुश्मनी साध रहे हैं ज़बरदस्ती का, कहीं भी कोई भी काम चल रहा है उसमें हमारा नाम डाल के हमको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी क्या मांग है आपकी और क्या चाहते हैं अभी आप? हमें चाहते हैं कि शासन प्रशासन का अनुरोध है कि 24 घंटे के अंदर विजय सिंह पत्रकार का गिरफ्तारी हो, अगर नहीं होता गिरफ्तारी तो हम 24 घंटा बाद उनके घर पे अपने 4,000 समर्थक लेके उनके घर को घेराव करेंगे और उसकी समझदारी शासन और प्रशासन की। अभी आप थाने आए थे, पुलिस से किसी प्रकार से बात हुई, चर्चा हुई? हाँ, अभी बात हुई है, कार्रवाई करने की बात हो रही है और अभी हमारा जो आवेदन था उसको ले लिया गया है और हमारा छवि लगातार गंदा करने का विजय सिंह द्वारा कोशिश किया जा रहा है। हमारे साथ हमारे क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, हमारे क्षेत्र के जितने भी हम जैसे कार्यकर्ता लोग हमारे साथ हैं और पार्षद लोग भी आए हुए हैं। अगर कार्रवाई नहीं होता है तो 24 घंटा के अंदर हम उनके घर पे जाएंगे, उनके घर के सामने बैठेंगे, धरना देंगे।